ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। अमृत वेला रोज बाप से हमें अमृत मिलता है, विभिन्न तरह का अमृत। तो आओ रोज अमृत वेले अमृत पान करें और अमर हो जाएं, स्थिति को अमर कर दें, अपने सद्गुणों को, दिव्य संस्कारों को, अपनी पवित्रता को अमर कर दें। सवेरे का समय सचमुच हमारे लिए कितना सुंदर है। संसार में तो जब लोग आंखें खोलते हैं तो कोई न कोई समस्या और टेंशन उनके सामने रहती है, और हम भाग्यवान आत्माएं सवेरे आंखें खोलते हैं और सामने मिलते हैं हमारे प्यार के सागर परमपिता, जो हमें बहुत चाहते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हम पर अपना सर्वस्व कुर्बान करना चाहते हैं, जो हमें शक्तियों और वरदानों से भरना चाहते हैं। हम अपनी आंखें खोल कर बैठा करें, बुद्धि के नेत्र को खोल कर बैठा करें, अपने चित्त को समर्पित करके बैठा करें, एकाग्र हो जाएं और बाबा से ये सब प्राप्तियां कर लें। ज्ञान अमृत बाबा पिलाते हैं, सोते तो युगों से आए हैं और फिर सोने का भरपूर आनंद मिलेगा, लेकिन जागने का समय यही है विशेष अमृत वेले। जब भगवान हमारा श्रृंगार करता हो, जब वो बाहें फैलाए हमें पुकार रहा हो, बुला रहा हो, आओ बच्चे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी झोलियां भर दूं, मुझसे जो चाहे वरदान ले लो, चाहे विजय माला में आने का वरदान, चाहे अश्वरत्न बनने का वरदान, चाहे विजय पाने का वरदान, चाहे सुखी रहने का वरदान, चाहे माया को जीतने का वरदान, भोलानाथ बनकर बैठता है। हम चला करें सूक्ष्म लोक में और वहां बाबा से बहुत अच्छी दूरी ध्यान किया करें, बातें किया करें। भगवान से बातें करने का सुख चारों युगों में अन्यत्र अन्य काल में कभी नहीं मिलेगा, ऐसा सुंदर अवसर उसने दे दिया है कि सवेरे मेरे पास आओ और जितनी चाहे मुझसे बातें कर लो, प्रीत की रीत निभा लो, प्यार में मग्न हो जाओ, जो चाहे सुना दो और उसका रेस्पॉन्स ले लो। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें रोज और बाबा से दृष्टि लें। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लेकर सारे संसार को दृष्टि दिया करें, बहुत बड़ी वाइब्रेशंस की सेवा हो जाएगी। फिर चला करें परम धाम महा ज्योति के पास और बस उसकी किरणों में बैठ जाया करें। इन अनुभवों के साथ मैं भी निराकार और बाबा भी निराकार, हम दोनों समान, उनकी शक्तियां, उनकी प्योरिटी, उनकी संपूर्ण शांति हम में समाती जाएगी। सवेरे के सुंदर अनुभवों के लिए रात को समय पर सोना परम आवश्यक है, खाना भी समय पर खाना और थोड़ा कम खाना परम आवश्यक है, ताकि हमारी नींद भी सत्वप्रधान हो, स्वप्न रहित हो, और जब हम सवेरे उठें तो पहला संकल्प केवल बाबा हो, या मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ महान कार्यों के लिए, इस आनंद में हम स्वयं को आनंदित कर दिया करें। सारे दिन की दिनचर्या पर भी हमारा अमृत वेले का अनुभव डिपेंड करता है। यदि हम सारा दिन बाह्य मुखी रहेंगे, मायावी चक्रों में उलझते रहेंगे, तो सवेरे उठने के बाद भी हमें अमृत चखने का अनुभव नहीं होगा। तो सारा दिन भी कुछ न कुछ हमारे अभ्यास चालू रहें, हम आत्मिक दृष्टि और शरीरी और स्वमान के अभ्यास तो कम से कम
करते ही रहें। तो आइए सारा दिन आज सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा से दृष्टि लें, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है ये अनुभव करें और फिर चलें अपने धाम जहाँ सर्वशक्तिवान की किरणें हमारे में समाती रहेंगी। ओम शांति।